नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरें। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिनके बाद पुलिस ने दो बदमाश को गिरफ्तार कर दिया। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज चिरगांव थाना प्रभारी भी चेकिंग कर रहे थे, तभी बदमाश आते हुए नजर आए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। पुलिस ने उसके पास से एक राइफल, एक अपाचे गाड़ी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज चिरगांव थाने में ये अपराधी से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह बहुत शातिर किस्म के बदमाश हैं और कई थानों में इसके ऊपर बहुत से मामलों में रिपोर्ट दर्ज है और इनकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। झांसी से मनीष अली के साथ विजय माहौर की रिपोर्ट। आपको बता दें कि लगभग एक माह पूर्व कुछ अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई थी, साथ ही साथ अभी वर्तमान में भी पिछले दिनों चिरगांव थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें 5-6 लोगों को छर्रे लगे थे, जिसका ये मुलजिम था। 307 की धारा के साथ साथ अन्य धाराएं इसके खिलाफ थी। थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, उसने फायरिंग करी, बदले में पुलिस ने भी फायरिंग करी तो गोली अपराधी को लगी। एक उसका साथी पकड़ा गया है। उनके पास से एक 12 बोर की बंदूक, तमंचा, बाइक और अन्य कुछ सामान बरामद हुआ है। झांसी पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी स्थिति में अपराधी के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो की जाएगी, और अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करेगा तो निश्चित रूप से पुलिस भी जवाबी फायरिंग करेगी। अपराधियों किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा।